एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर गदरपुर पहुंचे, जहां पर एसएसपी ने दो मामलों का खुलासा किया। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में कुछ समय पहले एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ लोग फरार चल रहे थे। वहीं गदरपुर पुलिस को लूट के आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनके पास से 315 बोर का वैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 बाइक भी बरामद की गई है। और वहीं वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने अलग अलग से वाहन चोरी की बात भी कबूल की है और उनके पास से 10 बाइक भी बरामद की गई हैं। वहीं दिल्ली के बल्ली मारान विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन आने वाले 3 दिसंबर को रुड़की के पिरान कलिया विधानसभा में पहुंचेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय नेता जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के पिरान कलिया विधानसभा के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को बल्ली मारान के विधायक और कैबिनेट मंत्री पिरान कलियर पहुंचेंगे और 150 लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। इमरान हुसैन साहब 3 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं पीरान कलिया। वो यहाँ पर सबसे पहले जियारत करेंगे साबर पार्क के यहाँ पर दरबार पर, उसके बाद 1-2 ज्वाइनिंग है विधानसभा के अंदर। उसके बाद हमारे मुस्तफाबाद महबूबपुर साइड में हमने एक जनसभा का आयोजन किया है, वहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसके चलते कोरोना टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ती जाने लगी है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट या नेगेटिव रिपोर्ट दिखा कर ही प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए उच्च अधिकारी अधीनस्थों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के साथ साथ बॉर्डरों पर भी चेकिंग अभियान और कोविड टेस्ट बढ़ाया जाए। वहीं नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस प्रशासन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की चेकिंग कर रहा है और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बाद ही उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। आज कल हमारे उत्तराखंड सरकार की वीसी हुई सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, जिसके उपरांत जिलाधिकारी ने आज शाम को 5 बजे मीटिंग रखी है। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी टारगेटिंग, इसमें टारगेटेड वे से हम करेंगे। स्पेसिफिक जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी हम सैम्पलिंग कराएंगे और इसमें चेक करेंगे। स्पेसिफिकली बॉर्डर्स पे जैसे आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनके पास कोविड हमारा सर्टिफिकेट हो, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, और अगर यदि उनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो वहाँ वैक्सीन करवाएं। दिस इज विल बी जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स होंगे अभी हमें उत्तराखंड सरकार के मिलेंगे, उस हिसाब से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में 6 दिन पहले झनकैया पर गंगा स्नान मेले के दौरान नहर में डूबे युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि गंगा स्नान पर्व पर शारदा नहर के किनारे लगने वाले झनकैया मेले में 25 नवम्बर को मेला देखने गया एक 18 साल का युवक नहर में नहाते समय डूब गया था। युवक के नहर में डूबने के बाद से ही पुलिस की गोताखोर टीम की तरफ से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च अभियान के दौरान युवक का शव शारदा नहर से बरामद कर लिया गया है। आज दोपहर में हमारी टीम लगातार लगी थी, एसडीआरएफ की टीम भी लगी थी, बाढ़ राहत वाली टीम लगी थी, दो बोटें चल रही थी। तो आज जो है एक युवक की का शव जो है जहाँ पर डूबा था उससे करीब 3 किलोमीटर आगे बरामद हो गया है, जिसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की है। हरिद्वार में इकबाल सिंह लालपुरा अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली भारत सरकार की अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी अतिथि गृह में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अध्यक्ष ने अधिकारियों से अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्गों के निचले स्तर तक पहुँचाने के निर्देश भी दिए। कोरोना डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक भी की थी और हम लोगों का अब 2 दिशाओं में प्रयास होगा। प्रथम तो ये है कि जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं, और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहां लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीने PAC में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, हॉस्टल्स में बच्चे हैं, हर की पैड़ी पर
मॉल हैं, इस तरह की जगहें जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, और सभी गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स जो नगर निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबका आप फर्स्ट स्टेज में करिए। नागर विमानन महानिदेशालय ने 15 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को स्थगित कर दिया है। इससे पहले 26 नवंबर को नागर विमानन मंत्रालय ने बताया था कि 15 दिसंबर से भारत आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी। हालांकि कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर संचालन को अब फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और नई तारीख की घोषणा के बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि भारत आने जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड-19 महामारी की वजह से 23 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि पिछले साल जुलाई से करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित हो रही थीं।